फोन दो ना फिर मुझे यार। क्यों सोच रहे हो यार, यहाँ इतने दूर आए दिल्ली से इतने दूर आए और हमें जाना है बिल्कुल ऊपर वहाँ पे। और भाई इस रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ कसम से। गुड आफ्टरनून गाइस, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं तो उठ चुका हूँ, मैं फुल रेडी हो चुका हूँ, मतलब बाल में सेट कर रहा था बाकी। और मैं पवन भाई को दिखाता हूँ कि उन्हें मैं बहुत देर से जगा रहा हूँ और वो नहीं उठ रहे हैं। भाई उठ जाओ। अरे पवन भाई सारी होली के चक्कर में मार्केट बंद है आज। मोबाइल रोड बंद है। हाँ तुम्हें कैसे पता? अभी मैं नीचे गया था ना तो मैं पता करके आया था भाई से कि वो कह रहे हैं होली वाले, मतलब मनाली में एक दिन पहले ही होली बनती है और यहाँ आज फेस्टिवल तो सब कुछ बंद रहेगा। ये बात तो सच है भाई, थके हुए इन्होंने काफी, मतलब ड्राइव करा है पूरे रास्ते, ड्राइव करा इन्होंने यार। भाई क्या दिखा रहा है यार? लो भाई यार उठ जा भाई, शूट करना भाई, शूट भाई शूट कर दे यार। रजाई बैठा दी तुमने यार। सॉरी रजाई बैठा दी यार तुमने यार। गाइस जैसे ही पवन गुस्सा हुआ है आज, काफी गुस्सा हुआ है हमने। किलो दे दे भाई, बॉडी बताओ पहले, बॉडी कैसी हो रही है? बॉडी सही हो रही है। ले आता भाई फिर तो गाइज अभी नहा के आया हूँ, रेडी होंगे और देखेंगे क्या प्लान रहता है क्या नहीं। और अभी मुझे पता लगा है आरिफ से, क्योंकि ये नीचे गया था रिसेप्शन पे, इसने बताया कि आज होली है तो यहाँ पे एक दिन पहले होली मनाते हैं। होली वैसे कल है पर एक दिन पहले यहाँ पे होली मनाते हैं, मतलब मनाली में। तो जो है माल रोड देखते हैं खुला होगा या नहीं होगा, क्योंकि अपना अपना जो प्लान था वो ये था कि लोकल मनाली आज एक्सप्लोर करेंगे। तो कोई बात नहीं, खैर और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो आज उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और फिलहाल इनको देखो क्या कर रहे हैं। भाई क्या चल रहा है? अच्छा भाई कमेंट करके बताना तुम्हारे भाई की बॉडी कैसी हो रही है। So guys, finally, तुम्हारा भाई हो गया रेडी बाहर जाने के लिए और अब घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे मनाली को, मतलब जो भी रेडी हो चुके हैं। ये तो खैर पहले रेडी हो चुका था भाई, यहाँ पे चाय पी रहे हैं पीछे देखो। मैं रेडी हो चुका हूँ और गाइज मैं अभी, मतलब रात को हम यहाँ पहुंचे थे, मतलब अंधेरा था उस टाइम, सुबह हो गई थी पर हम सो गए थे और मतलब मैं तो काफी थक गया था, आप लोगों को पता ही है। तो गाइज व्यू चेक करो यार एक बार रूम के बाहर का ना, ये देखो ये कुछ व्यू है, मतलब पूरे में स्नो स्नो हो रखी है वहाँ पे गाइज भाई गाइस, और ऊपर क्लाउड्स हो रखे हैं, मतलब यार क्या ही व्यू है। और नीचे ये माल रोड ही है, ये तो सीधा माल रोड ही जा रहा है, मतलब अपने माल रोड के इधर ही लिया है अपना रूम जो है ना, अपना होटल है। और ये अपने जानकारी है, मतलब पहले भी मैंने यहाँ पे स्टे किया हुआ है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है गाइस कि रेडी हो गए हैं और अभी चल रहे हैं, पहले हडिम्बा टेम्पल चले। हडिम्बा टेम्पल आरिफ, हडिम्बा टेम्पल चले पहले। हाँ और क्या है ना, पहले हडिम्बा टेम्पल चल रहे हैं। चलो चलो भाई ठीक है, तो ओके अच्छा अच्छा चाय तो खत्म करो अपनी, मैं तो ठंडी है। सो गाइस अभी चल रहे हैं हडिम्बा टेम्पल। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं कहाँ जाने के लिए, हडिम्बा टेम्पल। और अभी एक चीज दिखाऊं आपको, अभी दिखाता हूँ। मैंने कपड़े तो पहन लिए पर मैंने डाले हुए नीचे स्लीपर्स, गाड़ी में रखे ना दूसरे जूते उसमें डालूंगा। सो गाइस मैंने स्लीपर्स डाले हुए, अभी गाड़ी में से निकालूंगा शूज अपने और वो डालेंगे और देखते हैं कुछ, मतलब यहाँ पे खुला होता भी है नहीं होता। सो गाइस ये देखो जो यहाँ के ओनर है दीक्षित साहब, इधर देखिए दीक्षित, ये होली खेल रहे हैं। आपने हमारे साथ तो होली खेली नहीं, आपने हमारे साथ तो खेली नहीं होली, नहीं पानी के साथ नहीं खेली ना, कलर के साथ खेलनी है। हाँ कल भी होली है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ बंद है आज। इधर तो सुनो मेरी बात, सब कुछ बंद है यहाँ पे। हाँ तो माल रोड खुला नहीं है क्या आज? ओके ओके हडिम्बा टेम्पल भी? हाँ हडिम्बा टेम्पल तो खुला हुआ। गाड़ी की चाबी दे दे, गाड़ी की चाबी क्या हाड़ी की खोल दे। और गाइस ये देखो यहाँ पे आज होली है ना, ये दीक्षित भी होली खेल रहा है। ये भाई ये मारा बलून और भाग गया भाई, बलून मार के भाग गया देखो भाई साहब। और गाइस ये देखो अपनी गाड़ी पे कलर लगा दिया किसी ने, खैर कोई नहीं यार फेस्टिवल है तो फेस्टिवल पे सब चलता रहता है, कोई बात नहीं। मेरे शूज तो निकाल दो भाई,
मेरे शूज निकाल दो। शूज निकाल दो भाई मेरे। ला तो भाई पहन लिए अपने जूते। एक चीज और दिखाया गाइस। ला तो भाई हो गए तैयार, चल रहे हैं गाइस। कहाँ पर टेंपल चल रहे पहले? सबसे पहले कौन से टेंपल? नाम नहीं पता, मैं बोल नहीं पा रहा है। बता ना क्या था। उम्मा उम्मा नहीं, हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा टेम्पल। तो गाइस अभी हमने जो है मतलब मैं तो गाड़ी चला चला के इतना परेशान हो गया हूँ, इतना परेशान हो गया ना। मजा आ रहा है वॉक करने में। अब मेरे को मतलब हम पैदल ही जा रहे हैं वॉक करते हुए और हडिम्बा टेम्पल चल रहे हैं। यार कितनी स्नो हो गया। यार भाई स्नो देखो गाइस, वो देखो व्यू देखो उधर। और कमेंट करके बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं तो लगता ही हूँ भाई। विनोद भाई, विनोद भाई भी कैसे लग रहे हैं? विनोद भाई की तो बात ही अलग है। मैं तो भाई मेरे भाई अच्छे लग रहे, तो हम अच्छे लग रहे भाई। सो गाइस अभी हडिम्बा टेम्पल चल रहे हैं और वहाँ चल के दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। मतलब खैर बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, कोई नई बात तो है नहीं, पर हम मतलब सांस फूल रहे हैं यार, चढ़ाइए भैंस के यार सांस फूल रहे हैं। तो अभी चल रहे हडिम्बा टेम्पल गाइस, कोई नई बात तो है नहीं। हर कोई इंसान आता ही है मनाली हडिम्बा टेम्पल, तो काफ़ी फेमस है तो हर किसी को पता ही होता है। सो गाइस कुछ स्टेयर्स हैं या ऐसी और हमें जाना है बिल्कुल ऊपर वहाँ पे। और भाई इस रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ मैं कसम से, पता है इतनी बार मैं मनाली आ चुका हूँ, इतनी बार मनाली आ चुका हूँ गाइस, पर इस रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ यार। और भाई विनोद भाई को देखो कैसे भग रहे आगे भाई। अबे रुक जाओ यार भाई आ ही रहे हैं यार। मैंने जीन्स गल पहन ली क्या? लोअर पहन के आना चाहिए था गाइस। इस रास्ते से यार मैं पहली बार आ रहा हूँ, पता नहीं था ये रास्ता ऐसा होगा। और बाकी यार पेड़ वेड़ देखो यहाँ पे कैसे है ना, बड़े बड़े से। आरिफ है ये देखो, ये हमेशा लेट लतीफ रहता है। सो गाइस सबसे आगे जो वगैरह था सबसे पीछे भाई वही है भाई तुम तो पहाड़ी हो यार है? पहाड़ी तुम तो पहाड़ी हो, तुम्हें तो आदत होनी चाहिए। और सबसे आगे गाइस मैं चल रहा हूँ, देखो सांस में मेरे वेरी फूल रहे बट स्टिल मैं भी चल रहा हूँ आगे गाइस। इनकी हालत देखो यार, और एक वो देखो क्या हो गया विनोद भाई चलो आओ क्यों आए यहाँ पर है? किस लिए आए? सो फाइनली गाइस हडिम्बा टेम्पल पहुँच चुके हैं। ये है मंदिर हडिम्बा टेम्पल, जिसको हडिम्बा देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ मंदिर है गाइस जहाँ पे मतलब जिस जो मनाली जिस चीज़ के लिए फेमस है वो ये है। तो यार सांस फूल रहे हैं बहुत ज़्यादा भाई, बैठे थोड़ी देर यार। कहाँ गया वो है? कहाँ पे? अच्छा यार बैठे थोड़ी देर यार, मैं तो थक गया यार। पानी देते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, पानी की बोतल लेते हैं और बैठते हैं थोड़ी देर यार। ये देखो गाइस कितने सांस फूल रहे, पसीने आ गए यार। सो द गाइस अभी हम टेंपल के अंदर होके आ चुके हैं। अभी मतलब पवन भाई का शूट चल रहा था, रील वील वगैरह शूट कर रहे थे। जो रील है जो आपको देखने को इंस्टाग्राम पे मिलेगी, तो इंस्टाग्राम को आपको आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यूट्यूब के। और गाइस मेरे को भी फॉलो कर लेना ठीक है ना, मेरी भी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपको पता है सारी जो सब मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और कौन भाई का सूट चल रहा है, काफ़ी देर से सूट चल रहा है यार एक वीडियो के लिए। जैकेट में, जैकेट में हाथ डालो। एक काम करो ना, अभी आ रहा हूँ फिर ऐसे पॉकेट में डालो। हाँ गाइस देख रहे हो कि कितना टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, कितनी मेहनत लगती है। ऐसी बातों से वीडियो नहीं बन जाती यार, बहुत टाइम लगता है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करा करो यार, इतनी मेहनत करते हो एक बार करा करो इन सब चीज़ों। आपका क्या जा रहा है, जो मेहनत है यार वो तो देखो लोगों की। और भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए सिर्फ। बाकी हम टेम्पल के अंदर होके आ चुके हैं भाई, व्लॉग चल रहा है यार। अच्छा व्लॉग चल रहा है और अच्छा। तो गाइस अभी जो भी हम शूट कर रहे हैं रील्स वगैरह और जो भी फोटो शूट वगैरह होगा वो चीज़ आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और मेरा अबाउट में भी मिल जाएगा यूट्यूब के चैनल में।
सो गाइस हडिम्बा टेम्पल होके आ चुके हैं और वहाँ पे हमने दर्शन भी किए। अंदर शूट तो अलाउड होता नहीं, जैसे कि आप लोगों को पता है मंदिर मंदिर वगैरह में शूट तो करते नहीं। विनोद भाई का तो गाइस यहाँ पे जल्दी बैठो अरे भाई मुन्नी को लेने पाकिस्तान मुन्ना भी आएगा उसके साथ। अच्छा मुन्ना भी आएगा भाई, मुन्नी को तो कंधे पे ले गया था ना भाई, वो तो आप ऑटो में लाएंगे भाई। ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, तोड़ के जाएंगे सीधा। स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो करो, करो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, करो स्टार्ट तो करो भाई। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, चलो। सो गाइस फाइनली हडिम्बा टेम्पल होके आ चुके हैं और नहीं अब तो उतरना है, अब तो नीचे उतरना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आए थे हाँ। तो गाइस अभी का क्या प्लान है पता है? अभी कहाँ चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं रिवर पर। तो गाइस हडिम्बा टेम्पल तो हम ओके आ चुके थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सिनेमेटिक शॉट्स में भी देखा होगा आप लोगों ने तो। और अंदर तो शूट करना अलाउड होता नहीं है मंदिर का, आपको जब पता ही है, अंदर तो हमने शूट किया नहीं। तो अभी देख रहे हैं अभी कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं, क्योंकि होली है यार। होली के टाइम पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे माल रोड जो है मतलब मार्केट जो है बंद रहती है, वरना वो भी अपना एक्सप्लोर करने का मन था। बाकी देखते हैं, माल रोड चले। भाई वाह ये भाई एक्टर होता है ऐसा भाई। ए भाई शाहरुख खान वाला धूप से निकल के छांव से फिसल के आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो गाइस अभी ना ये देखो ये देखो गाइस देखो खाने पीने में शर्म नहीं भाई, मैं गोलगप्पे खाता नहीं हूं। ऐसा खा लेना, क्या हो गया फिर? एक ही खाऊंगा है, बाकी मैं खा लूंगा। जरूरी थोड़ा है, लुगाई खाते हैं गोलगप्पे, हम भी खाते हैं भाई। अच्छा ऐसा भी है? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं था। पर एक चीज बताओ, ये तुमने शर्ट क्यों चेंज करी है? देखा, इसने ब्लैक डेनिम डाली है तो इसने ब्लैक जींस डाली है, इसने ब्लू डेनिम डाली है तो इसने ब्लू जींस डाली है। ये क्या क्या सीन है? ये चेंज करो, चेंज करो, चेंज। सेम सेम क्यों हो जाएगा? सेम सेम कैसे हो जाएगा? मतलब चाहते हो हम आपकी यूट्यूब वालों को सबको ये दिखा रहे? बिल्कुल बिल्कुल, चली नहीं रही मुझसे भाई, आधा छूट गया ना चलाने की। तुमसे तो कार ही चलती है। कार ही बाइक भी चलती मुझसे। उसको लगा दिया साइड में। चल गाड़ी निकालते हैं अपनी यार, चले गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं। हां गंदी कितनी हो रही है गाड़ी। चलो साइड में लाओ इसे। सो गाइस अभी प्लान में कुछ चेंज आ गया था और हम आ गए अभी सोलांग वैली। तो यहाँ पे कुछ व्यू ऐसा है और हम अभी आगे जाने की कोशिश कर रहे थे यार, तो ना मतलब इन सर ने रोक दिया कि 4 बजे तक कुछ एंट्री होती है, उन्होंने ऐसा बोला। तो अभी इनसे एक बार बात करते हैं, सर से क्या रहता है, कैसे रहता है, कैसे हम आगे जा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, एक बार सर से पूछ लेते हैं, वो हमको बता देंगे, अच्छी डिटेल बता देंगे। हाय सर। हेलो। तो सर मतलब आगे जाने के लिए, रोहतांग जाने के लिए कितना कैसे क्या रहता है? सुबह 9:30 से 4 बजे तक। और पास वगैरह कुछ लेना पड़ता है उसके लिए? नहीं ऐसे ही। अच्छा जा सकते हैं, अटल टनल भी जा सकते हैं? मतलब हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे होने चाहिए बस। ओके तो उसके बाद जा सकते हैं। मतलब मॉर्निंग में कितने बजे शुरू हो जाता है? 9:30। ओके सुबह 9:30 से हम आगे जा सकते हैं और रिटर्न कभी भी हो सकते हैं? 4 बजे तक आप एंटर कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा एंटर कर सकते हैं 4 बजे तक और वापस फिर 5 बजे खुद दे सकते हैं, ऊपर ATR पे भी है ना, बोरस ऊपर लगी हुई। अच्छा ओके। सो गाइस जैसे कि सर ने बताया हमें कि हम 9:30 बजे तक मतलब एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, और 4 बजे तक, सुबह 9:30 से 4 बजे तक, राइट? ओके तो भाई कल आएंगे फिर, तो कल चलेंगे फिर आगे, है ना? आज तो पॉसिबल है नहीं। सो गाइस अभी थोड़ा बहुत अपना यहीं पे इंजॉय कर लेते हैं। गाइस कल चलेंगे फिर आगे ना। हाँ
अरे कोई नहीं, हमारे पास कल वाला दिन भी तो है, कल वाला दिन भी अपने पास है ना, अभी यहीं पे थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं इधर ही। और गाड़ी की हालत देखो यार गाइस, कितनी गंदी लग रही है यार ये। तो कोई नहीं, हम कल चल पड़ेंगे। और पास वगैरह कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑफ सीजन है, वरना पास लेना पड़ता है। इसके लिए मैंने देखा था वीडियोस वगैरह में ना, तो अभी एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। कहाँ पर बॉनफायर होगा? अपने होटल नहीं है उसके वहीं पीछे थोड़ा। तेरे को किसने बताया? मैंने खुद देखा था ना। अरे यार ये पकड़ियो। अच्छा क्या हुआ, जुकाम लग गया भाई? अरे हाथ कट गया भाई, बर्फ में। हाँ यार। तो गाइस अभी जो है मैगी खाने का प्लान है। देखो गाइस हाथ पूरा कट गया मेरे। मैगी खानी है? हाँ भाई, पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाया तो क्या खाया? मैगी तो खाएंगे भाई, मैगी तो खाने आए, मैगी तो खानी है। तो गाइस मैगी खाने का प्लान है। मनाली से दूर यहाँ आए, मैगी खाने तो आए। मनाली से दूर? मनाली से थोड़ा आगे। मनाली से हम आए 15 किलोमीटर आगे, सोलांग वैली। तो मैगी खाएंगे अभी, मैगी खाने का प्लान है। उसके बाद चलेंगे सीधा माल रोड, माल रोड को आज एक्सप्लोर करेंगे गाइस। हे गाइस, काफी टाइम बाद फाइनली मैगी आ चुकी है गाइस हमारी। भाई ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। मैगी पहाड़ों पर मैगी नहीं खाई ना, कुछ भी नहीं खाया सीरियसली। मजा आ रहा है। अंधेरा देखो कितना हो गया भाई, ठंड ठंड इतनी हो रही है ना। तात बिल्कुल सुन हो रहे, सुन बिल्कुल सुन। कहो ना भाई, भाई को दिखा कैसे बैठा। So guys, finally, मैगी हमने खा ली है। हाँ भाई कैसी लगी मैगी? भाई मैगी तो बहुत टेस्टी थी यार। कैसी लगी विनोद भाई? भाई मजा आ गया भाई। और हमारे साथ गाइस एक मेहमान हो रहे हैं हमारे। इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये देखो। ये भाई हमें ही मिल गए थे, हम मतलब हम मालोड की तरफ जा रहे थे, तो भैया को भी भैया ने बोला कि मुझे ड्रॉप कर दोगे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ड्रॉप कर देते हैं। क्या जा रहा है यार ना भाई। और भैया का नेचर बहुत अच्छा है यार। और गाइस इनकी एक स्पेशलिटी है, बता दूं बता दूं। वो चीज मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे मैं मतलब भैया का भी यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक डाल दूंगा आपको, और आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। जिस भी किसी भाई को नीड होगी तो वो देख लेना। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं होटल, गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद देखेंगे माल रोड का सीन बनाना है नहीं बनाना। माल रोड का सीन चल रहा है, पहले देखते हैं वहाँ है? अगर एक्सप्लोर करने लायक हुआ तो करते हैं। हाँ। बाकी फिर कल उसका अनलॉक देखते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल तो होटल चल रहे हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि गाइस आज होली है तो सारी शॉप ओपन होगी या ना होगी तो वो सब। हाँ माल रोड क्लोज था इस वजह से। तो अंधेरा देखो कितना हो चुका है गाइस, कल वाला सीन बन गया बिल्कुल, बंदा ना बंदे की जात सिर्फ हम। So guys, finally, हमने अपनी गाड़ी कर दी है पार्क, क्योंकि होटल के यहाँ हमें जगह नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे जो है मतलब रूम वूम लग गए होंगे, तो वो सारे बंदे अपनी गाड़ी लेके आए हुए हैं, तो हमने पीछे पार्किंग गाड़ी लगाई है। और चांद पहला बादल में भाई आपकी आपकी शांत शांत है, बताओ शांत क्यों? ठंड ठंड तो हो ही रही है। अभी फिलहाल रूम पे चल रहे हैं अपने पहले, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या करना, क्या नहीं करना। माल रोड पे चलेंगे ना? हाँ कल रूम पे चल रहे हैं। अरे ना मेरे क्या 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 बताओ ना, अरे बताओ ना भाई, बताओ तो भाई कुछ नहीं भाई, अरे बताओ ना भाई एक बार, एक बार ये भाई ये गलत बात है। अभी पता क्या बोल रहे थे विनोद भाई? नहीं भाई ऐसा मत बोला यार। वो हमारी कुछ पर्सनल बात थी, तो अभी हम जा रहे हैं माल रोड, क्योंकि हम होटल पे आए थे। किस लिए आए थे? हल्की हल्की बारिश भी हो रही है गाइस। मेरी बात ना कंप्लीट नहीं होने देता, पहले मुझे बोलने नहीं देता। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, मैं कुछ बोल लूँ। इसके देखो मिनट मिनट में जैकेट चेंज, पहले ब्लू वाली डाल ली अपनी डेनिम वाली, फिर मेरी वाली डाल ली, और अब ये डाल ली वाइट वाली। अभी जादू बना फिर रहा है यहाँ पे। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश बारिश तेरे लिए एक अनोखी बारिश हो रही है क्या? है जंगल में फैल यहाँ पे ठंड लग रही है। सो गाइस अभी माल रोड चल रहे हैं और माल रोड को एक्सप्लोर करेंगे, मजा आएगा। इस माल रोड चल रहे हैं और माल रोड को एक्सप्लोर करेंगे। और माल रोड का मतलब समझ रहे हो ना तुम? माल रोड बस्ती ब्रो, अगले भाई लोग ढूंढ लियो। माल रोड का मतलब समझ रहे हो? माल रोड, रोड में ही हर चीज है भाई। और यार ट्रैफिक दो, ट्रैफिक कितना हो गया यहाँ पे। सही रहा, सेंटर पे गाड़ी लगा ली अपनी है ना। देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे गाइस। ये देखो ये सबसे बड़ा इशू होता है मनाली में, कि मतलब ट्रैफिक बहुत जल्दी लग जाता है। और सही रहा हमने सही टाइम पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी। और विनोद भाई को देखो कैसे कैसे निकलना पड़ रहा है, ऐसे मेरे को भी निकलना पड़ रहा है यार। देखो कितना कितना ट्रैफिक लग गया है। सही रहा हमने सही टाइम पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी यार, पार्किंग में लगा दी। गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं माल रोड। तो ये है मनाली का माल रोड, जिसे मतलब मनाली की मार्केट भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट यही है। और मार्केट भी छोटी भी यही है और बड़ी भी यही भी एक ही मार्केट है। तो भाई ये देखो छोटा ब्लॉग बना रहे हो, शॉर्ट ब्लॉग, स्नैपचैट में ब्लॉग। भाई देखो स्नैपचैट में ब्लॉग बना रहे हैं भाई,
भाई बताओ ना इधर दीदी देखो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ माल पूरी तो मिल नहीं रही माल रोड़ी और ये इसको देखो जादू 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 सो गाइस माल रोड आ गया क्या लाना फिर बताओ क्या कुछ खाना है या फिर मतलब ऐसी मतलब एक्सप्लोर करके चलना है फिर वापस एक्सप्लोर के वापस चलना वापस क्या करें दोबारा आएंगे फिर नहीं वापस दोबारा जाएंगे भाई बारिश आने वाली है बारिश तो हो रही है हल्की हल्की और रेस्ट भी करना है भाई हमें फिर रेस्ट भी करना है ठंड भी हो रही है बहुत ज्यादा मोमोस खाएं सरोजनी नगर सरोजनी नगर देखो क्राउड कितना सेक्सी है यार यहाँ पे यार इतना मतलब हर चीज यहाँ पे देखो हर चीज मिलती है हर चीज फार्मेसी भी है मतलब हर चीज है ठीक है यार क्राउड कोई भीड़ किस चीज की है कुछ तो है यहाँ पे भाई ये क्या है मैडम कुछ पूछते हैं इनसे क्या है क्या नहीं है इस अभी हम माल रोड पे आए थे और एक चीज खाते हैं आपको ये देखो भाई क्या कर रहा है भाई सो गाइस आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्योंकि यहाँ पे रश काफी है यार ये देखो रश काफी ज्यादा है और यार कौन बंदा बोल रहा था कि माल रोड बंद है इधर आओ है वो आरिफ है इधर आ इधर आ इधर इधर ब्लॉग में आ ब्लॉग में भाई तुम ऐसे कौन तू किससे पूछा था माल रोड बंद एक भी मार्केट बंद नहीं है यहाँ पे सारी पूरी मार्केट हमारे होटल का ये देख बोल रहा था ये देख वो बच्चा है वो छोटा है यार छोटा बच्चा है वो कौन कह रहा है माल रोड बंद भाई एक भी शॉप बंद नहीं है गाइस एक भी पूरी मार्केट खुली हुई है देखो कपड़ों से लेके खाने से लेके हर चीज वो तो मेरा मन कर गया एकदम से कि भाई माल रोड पे चलना है भाई ने बोला चलो चलो करके हम लोग तो दोनों आज नहीं करना आज करी मैं सोच रहा कल शूट करूंगा माल रोड का मैं माल रोड का एक्सप्लोर करूंगा और गाइस यहाँ पे थोड़ा मंदिर में पूजा चल रही है आई होप आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अभी शूट के लिए थोड़ा बंद कर रहा हूँ मैं आगे शूट करूंगा चल रहे हैं यहाँ का जो फेमस जो है ना मतलब बता रहा हूँ एक मलाई वाला दूध होता है मतलब वो उसका मुझे नाम नहीं पता नाम क्या होता है क्या नहीं आयो आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है बिल्कुल आ जाओ आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छी से आ रही होगा क्योंकि काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पे ना तो शॉप शायद वो है आगे मैं दिखाता हूँ आपको अगर कैमरे में जस्टिफाई होता है अभी चल ही रहे हैं वैसे हम तो आपको चल के दिखाते हैं वहाँ पे ना ये वाला सो गाइस जो जिस चीज के बारे में बोल रहा था वो ये है क्या है भैया ये इसका नाम क्या है केसर बादाम मिल्क केसर बादाम मिल्क ओके 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 किस चीज से बनाते हो आप इसको केसर पाउडर डलता है बादाम डलता है और गाय का दूध डलता है ओके प्योर सो गाइस जिस चीज के बारे में बता रहा था वो ये है केसर बादाम मिल्क किसका है तो कैसा लगा ये दूध भाई टेस्टी है बहुत ज़्यादा टेस्टी है बढ़िया एकदम मस्त मतलब जैसे गांव में मिलता ना दूध गांव वाली फील आ गई जैसे गांव में फील आते हैं एकदम मज़ा मज़ेदार भाई लिटरली में जो जैसा सुना था ना बिल्कुल वैसा ही है यार मज़ा आ गया कसम से एकदम मस्त दूध है कसम से यार मज़ा आ गया भाई तो चाय की तरह पी रहे हैं पहली बार पिया मैंने आना कभी मनाली भाई दूध पीना दूध पी के जाना भाई थैंक यू सो मच पवन सर मेरा थैंक यू भाई बस भाई थे हाँ भाई साथ में सो गाइस फाइनली दूध हमने पी लिया है दूध मतलब दूध पी लिया मैं हंस रहा भाई मैं ये व्लॉग बना रहे हो तुम हाँ मैं हंस रहा हूँ फोटो के लिए वो करिए अच्छा दोबारा करो क्या कार्टून आ गया ये So guys, यार अभी हम केसर टाइम यहाँ तो यार क्राउड एकदम से बढ़ गया अच्छा भैया दिन में मार्केट बंद थी क्या अच्छा दिन में मार्केट बंद थी हाँ मेरे को गलत बोल रहे थे ना इसका मतलब सही था गाइस गलत बोल रहे थे अच्छा अभी खुली है मार्केट हाँ और कल खुलेगी कल भी खुलेगी मार्केट ओके तो गाइस कोई भी भाई मेरा कोई भी सब्सक्राइबर कोई भी चीता मेरा अगर होली के टाइम पे या फेस्टिवल के टाइम पे अगर यहाँ पे आता है तो आपको सब कुछ ओपन मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे बंद मिलेगी मार्केट या कुछ भी है
भाई क्या देख रहे हो? तो गाइस ऐसा क्या देख रहे हो? मैं भी आ गया हूं, मैंने भी ब्लॉग बना दिया गाइस, वन वन ब्लॉग बना रहा हूं, खाली पीले का ब्लॉग बना रहा हूं। अभी ना भाई ब्लॉग बना रहा था, किसमें? स्नैपचैट में। स्नैपचैट में किसी को मत बताना गाइस। इस लेट लतीफ को देखो, सबसे पहले जाके खड़ा हुआ था, इसके बाद के जो बंदे थे वो सारे जा चुके ले लेंगे, पर ये बंदा अभी तक मोमोज नहीं ले पाया। देख लो आधे घंटे से कैसे खड़ा कर रखा है हमें, आधे घंटे से। और भीड़ भी काफ़ी हो रही है गाइस, देखो कितने सारे कस्टमर खड़े ना लेने के लिए, तो आरिफ की भी गलती नहीं है इस चीज़ में, करा ले यार जल्दी। सो गाइस फाइनली अपने होटल पहुंच चुके हैं हम, वार लोड होके आ चुके हैं, एक्सप्लोर कर दिया है, वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिली। ये क्यों हो रहा है? ये देख भूत कोई भी नहीं है, डरता है भाई ये भूत से, बहुत डरता है। खोलो लोग तो खोलो, लोग तो खोलो, था नहीं उसमें कुछ So guys, कमरा चमक रहा है, फुल चमक रहा, फुल गाइस अपने रूम में आ चुके हैं। चप्पल मारूंगा। सो गाइस जो है मतलब होटल में तो हम अपने पहुंच चुके हैं, और अब करेंगे डिनर, उसके बाद करेंगे एडिटिंग शुरू। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना गाइस की वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। मिलते हैं एपिसोड 3 में, अब ये नहीं बोलूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एपिसोड 3 में, बाय। मैं एक चीज भूल गया था बोलना आप लोगों को, मोस्ट ऑफ द थिंग कि फेस्टिवल है, तो मैं वो चीज आपको भूल गया था बोलना, हैप्पी होली गाइस। और मेरे जितनी भी मेरी फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली, उनको दिल से हैप्पी होली। और गाइस आराम से होली मनाना, प्यार से होली मनाना अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। लव यू गाइस, लव यू ऑल।